जब मैं एकदम यंग था ना, 19 साल का। हाँ तो अभी कितने साल के हो? अभी तो मैं 32 साल का हूँ। अच्छा 35 साल का बुड्ढे। यही नहीं, अभी और सुनिए प्लीज, मेरे को एक बार रोज रिमोट दिखाओ ना प्लीज। इजा अच्छा ठीक है आजा आजा। इजा चलो यार, तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो फिर मैं तुम्हारा रोज एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। আচ্ছা গাইস, আমি টিম কোড দিয়ে দিচ্ছি। আমরা আজকে হচ্ছে র‍্যাঙ্কে ডগ ম্যাচ খেলবো সবার সাথে, আই মিন সবার সাথে খেলবো একটা একটা ম্যাচ করে, ঠিক আছে? আমি টিম কোড দিচ্ছি, টিম কোড হচ্ছে 297852 297852। হ্যালো 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 ম্যাডাম, কেসি হো? হ্যাঁ মই আছি, আপ কেসে হো? अरे हम भी एकदम बढ़िया। अरे मैडम गेम स्टार्ट करो ना, मेरे को आपके साथ खेलने का बहुत मन है। बट आपका तो लेवल कम है ना। तो ऐसा बात है क्या? अरे नॉर्मल एक गेम लगाओ ना, एक नॉर्मल गेम। अरे अरे मैं क्लासिक लगा देती हूँ, मेरे फैंस लोगों के लिए कुछ भी। क्या बात है? अरे यार आप इतना प्यार करते हो कि अपने फैन लोगों से? हाँ ऑब्वियसली करूंगी ना वो तो। अरे तो मेरे लिए बांग्लादेश का लड़की ढूंढो ना। ब्रो हाँ हट करती हूँ मैं। अरे ब्रो मत बोलो, मैं आपके अंकल की उम्र का हूँ। मतलब सीरियसली अंकल की उम्र का हो के फिर मेरे पास लड़की चाहते हो? अरे मैं तो शादीशुदा भी हूँ। अरे लॉल। अरे यार लेकिन आपको मेरी स्टोरी नहीं पता ना यार, आगे एक बार आप मेरी स्टोरी सुनोगी ना, उसके बाद आप मेरे से खुद शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। दूसरी लड़की तो अरे सही में। अरे अरे अंकल जी इतना ज्यादा शौक अच्छा नहीं है, ओके? इतना अरे अरे कोई शौक ऑक अच्छा नहीं, मैं कसम से बोल रहा हूँ यार, मेरा इतना दुख भरी स्टोरी है ना यार। पिज़्ज़ा अरे यार पिज़्ज़ा यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार, आपने इमोशनल कर दिया यार, याद दिला दिया मुझे मेरी पुरानी यार। ए सॉरी, कोई बात नहीं, रो मत अंकल जी। अरे यार क्या बताओ यार पिज़्ज़ा, अरे स्टोरी सुनना चाहोगी क्या मेरी दुख भरी? हाँ हाँ सुनाओ। जब मैं एकदम यंग था ना, 19 साल का। हाँ तो अभी कितने साल के हो? अभी तो मैं 32 साल का हूँ। अच्छा 35 साल का बुड्ढे। अरे 35 नहीं 32, 32। अच्छा अच्छा सॉरी, 32 साल के बुड्ढे। हाँ ये बुड्ढे नहीं, 32 साल के जवान लोग होते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए। बोलो। अरे तो जब मैं 19 साल का था ना, हाँ, तो मेरी ये गर्लफ्रेंड थी यार। तो कहाँ गया वो? मैं उससे बहुत प्यार करता था। हाँ लेकिन मेरा घर वालों को स्वीकार नहीं था कि मैं उससे शादी करूं। क्यों? और वो तो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं था। हाँ अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैं उससे प्यार करता था इसलिए मैंने उससे भगा कर शादी कर ली उससे। वो तो अच्छा अच्छी बात हुई ना। अरे अच्छी बात नहीं थी ना यार, मेरा घर वालों ने बोला था कि देख तू आज इसको भगा के शादी कर रहा है, कल के दिन ये तेरा काट के जाएगी। अरे तो क्या ये बात सच में हो गई? हाँ यार वो मेरा सही में काट के चली गई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उसके साथ बदला लूंगा। हाँ फिर बदला ले लिए? नहीं, बदला लेने के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं उसकी छोटी बहन के ऊपर लाइन मारता हूँ। हाँ मेरे को बदला लेना था ना, मैं चाहता था कि उसने मेरा काटा मैं उसकी छोटी बहन का काट दूंगा। अच्छा तो मैंने उसकी छोटी बहन को पटाया और वो पट भी गई। हाँ फिर उसके बाद मैं बहुत अच्छे दिल का हूँ यार फिज़ा, मेरे को उससे भी प्यार हो गया। तो मैंने सोचा कि यार भले इसकी बहन ने मेरा काटा है तो मैं क्यों उसका काटूं, मैं तो बहुत अच्छे दिल का हूँ ना। हाँ फिर क्या, वो भी आपका काट के चला गया? यार आपको कैसे पता यार? अरे पता चल गया, रोना रोना सुन के आपका। वो लड़की भी मेरा काट के चली गई। देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अरे दो बहन एक जैसे। अरे बहन तो छोड़ो, उनकी बेटी भी है। बेटी?
हाँ उनका बेटी भी, उनका शादी दोनों बहनों का शादी एक ही लड़के से हुआ था। ए भाई ये कैसी स्टोरी है भाई, ये बड़े दिल को दहला देने वाली स्टोरी है वीजा। लहल। लेकिन उसके बाद उसकी बेटी वो जो थी वो मेरे से सही में बहुत प्यार करती थी पिता। अच्छा। मैं उस समय कुल 27 साल का था और उसकी बेटी 12 साल की। क्या? फिर मैं उसको डेट करने लगा, उसके साथ घूमने लगा, उसके साथ फोटो वगैरह डालने लगा। हमारा प्यार एकदम परवान चढ़ रहा था, समझ रहे हो? मेरे घर वालों ने फिर से बोला है तेरा काट के जाएगी। अच्छा। लेकिन इस बार पता क्या हुआ? फिर क्या हुआ? इस बार मैंने उसका काट दिया। ओहो जोस, नाइस। या बट मुझे अच्छा नहीं लगा पिज़्ज़ा, क्यों पूछो? अच्छा दिल के होना इसलिए अच्छा नहीं लगा। अरे अच्छा इसलिए नहीं लगा, मेरे को लगा कि यार मैं उसका काटूंगा वो दुखी होगी यार, वो तो खुशी खुशी दूसरे लड़के के साथ चली गई यार। ए भाई ये कैसा फैमिली है यार। अरे फैमिली छोड़ो यार, पूरा फैमिली ने मेरा जिंदगी खराब कर दिया फिजा। अब तुमको मेरे ऊपर तरस नहीं आ रहा है क्या? अरे हा? तरस तो आ रही है यार, हंसी भी आ रही है आपके ऊपर, आप इतने ज्यादा गधे हो, गधेरम। ये अरे तरस आ रहा तो मेरे से शादी कर लो ना। फिजा एक बार इधर आओ प्लीज। हाँ बोलो। देखो आप मेरे से उम्र की बहुत छोटी हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो क्या आप मेरा वो रिक्वेस्ट पूरा करोगी? ऑब्वियसली, बोलो अंकल जी। अब मुझे एक बार रोज वाला इमोट दिखाओ पिज़्ज़ा। क्यों? अरे आप अपने सब्सक्राइबर से प्यार नहीं करते क्या यार? ऑब्वियसली करती हूँ। अच्छा आप काउंट करो, मैं रोज इमोट देती हूँ। 3 2 1 ये रोज इमोट है क्या? ए पापा की उम्र के हो फिर रोजी मत चाहते हो। अरे तो यार मैंने बेटी भी तो बोला यार, एज अ बेटी मैं चाहता हूँ यार, मेरी सोच गलत नहीं है पिज़्ज़ा यार। अच्छा प्लीज मेरे को एक बार रोजी मोड दिखाओ ना प्लीज पिज़्ज़ा। अच्छा ठीक है आ जाओ पिज़्ज़ा। चलो यार तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो फिर मैं तुम्हारा रोज एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पिज़्ज़ा मैं आपको एक बात बोलूँ, आप मेरी बात पे यकीन करोगी? अरे अंकल जी आप तो एक नंबर के धोखेबाज निकले यार। अरे धोखेबाज तो वो लड़की थी यार, मैंने तो कुछ धोखा नहीं किया पिज़्ज़ा यार। पिज़्ज़ा मेरी एक चॉइस है यार, मतलब मैं मरने से पहले एक छोटी सी दुआ मांगना चाहता हूँ पिज़्ज़ा, क्या आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी करोगी पिज़्ज़ा प्लीज? ऑब्वियसली करूंगी, बोलो तो सही। अरे तो मेरे से दूर मत भागो ना यार, मेरे पास आओ यार। अरे यहाँ पे एनिमी है, रुको ना। अरे एनिमी तो हर जगह रहे साले, ये तो बॉट हैं, इधर आओ। अरे फिजा मैं ये चाहता हूँ फिजा कि मैं मरने से पहले एक खूबसूरत लड़की से शादी करूँ। अच्छा तो आपका आपका विश पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो फिर कब करें शादी? ए भाई अंकल जी मैं बांग्लादेश का सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ फिजा। अच्छा, मेरी तो नजरों में बांग्लादेश की सबसे खूबसूरत लड़की आप ही हो। और भी बहुत है ना, मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ ना। अच्छा फिजा तुमको पता है क्या, मेरा एक बच्चा भी है। हा? मेरे बच्चे का नाम सुनोगी ना तो तुम एकदम चौंक जाओगी। क्या है बता दो क्या? हाँ बता दो। वैसे तो मेरे बच्चे का नाम अक्षय है लेकिन उसको लोग लूफी के नाम से जानते हैं। आपने कभी लूफी नाम सुना है? हाँ सुना है ना। किधर सुना है आपने लूफी नाम? ये एक इंडियन यूट्यूबर है। हाँ आपने ठीक सुना, वही है मेरा बेटा। मैंने सुना आप उससे प्यार करती हो। अच्छा तो आप आपने ये किसने सुना, मतलब किसने कहा आपसे? अरे दुनिया कहती है फिजा तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो करके। तो दुनिया कहती है तो आप मेरे साथ आके क्यों ठरकीपन कर रहे हो अंकल जी? अरे मैं ठरकीपन नहीं कर रहा हूँ बेटी, तुम तो मेरी होने वाली बहू हो, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। अच्छा
टेस्ट में पास हो गई या फेल? अरे एकदम पास हो गई। अब मुझे पता है मेरे बेटे को तुमसे ज्यादा कोई प्यार ही नहीं कर सकता। अच्छा तो बताओ कब कराऊं तुम्हारा शादी का डेट, कब फिक्स करूं? कर दो। क्या बात कर रही हो, सही में क्या? हाँ कर दो। अरे फीसा हेलो, तुम सही में प्यार करती हो क्या मेरे से? ए भाई हेलो। अरे मैं लूफी बात कर रहा हूँ यार, तुमने मेरे को कभी बताया क्यों नहीं? ए वत्ता। ए अबे तुम सही में, ए तुम सही में प्यार करती हो मेरे से? ए कहाँ से आ गई यार? अरे मैंने वॉइस चेंजर लगा के बात कर रहा था, तुम मेरे से सही में प्यार करती हो? अरे मैं मजाक कर रही थी। पिज़्ज़ा तुम मेरे से सही में प्यार करती हो? आज मुझे बता दिया पिज़्ज़ा। ए पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा शादी कब करोगी? पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मेरे से शादी कब करोगी? पिज़्ज़ा मेरे से शादी कब करोगी? आज तो सबको पता चल गया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा आज सबको पता चल गया। अब जब ये वीडियो डालेगा कल तब सबको पता चल जाएगा पिज़्ज़ा कि तुम मेरे से प्यार करती हो। पिज़्ज़ा इश्क छुपता नहीं, छुपाने से तेरा सिख हूँ पिज़्ज़ा मैं जमाने से। पिज़्ज़ा अरे पिज़्ज़ा पगली तू मेरे से प्यार करती थी, मेरे को पहले बता देती पगली। अरे मैं मजाक कर रही थी यार। अरे पगली तू क्यों रो रही है? ए अंकल जी। अरे गम तो मुझको उठाना है बारात का। अरे फिजा इतनी खुशी मुझे आज तक। बांग्लादेश का सबसे खूबसूरत लड़की मेरे हाथों में लौंडू आ। तो क्या, अब तुम मेरे से प्यार तो करती हो, अब मैं शादी करके रहूंगा फिजा। तुम बताओ तुम्हारे घर वाले से बात करने कब आओ? अरे भाई चुप रह तू। क्या बोला अभी फिजा? तुम मतलब मेरे पापा, मतलब मैं पापा बनने की एक्टिंग कर रहा था मेरी, तब तुम उनके सामने स्वीकार रही हो कि तुम मेरे से प्यार करती हो करके? अरे मजाक कर रही थी। ये कहीं ना कहीं प्यार तो है, ये कहीं ना कहीं प्यार ही तो है फिजा, जो तुम मेरे से छुपा रही हो। बात तो सही है। ए अंकल जी मजाक कर रही थी मैं। ऐसा मजाक फिजा? कहीं ना कहीं सबको पता चल गया फिजा। अब मैं कल वीडियो डालूंगा और सब कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि तुम फिजा से में प्यार करती हो फिर से। नहीं 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 नहीं। मजा आ गया फिजा। मैं जा रहा हूँ बैग, ठीक है? मैं अपनी मम्मी को लड्डू वड्डू खिलाने जा रहा हूँ, ठीक है? अब तो रिश्ता पक्का मम्मी। अरे पूजा करके जा यार। कोई बात नहीं फिजा यार, अब तो पूरी जिंदगी भर साथ रहना है अब। हाय 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 हाय। बुआ की क्या बात है, चलो पूजा हो गया। अरे फिजा तुमको पता नहीं मैं इतना खुश हूँ यार आज। ए अंकल जी चुप रहो आप। आज मैं आंखों के साथ साथ नाक से भी रो रहा हूँ। तो गाइस अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि फिजा ने मेरे पापा से, मतलब वो तो मैं ही था, खैर मैं पापा बनने की एक्टिंग कर रहा था, बट गाइस फिजा ने मेरे पापा से क्या कहा इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिजा मेरे से सही में समझ रहा ना। तो गाइस आप लोग एक काम करो, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो फिजा गेमिंग और जाके गाइस इससे कमेंट सेक्शन में पूछो कि क्या ये बात सही है। सबके सब जाओ गाइस, मैं जानना चाहता हूँ भाई कि आंसर क्या है उसकी तरफ से।